बाळ मित्रों नमस्ते। बाळ मित्रों आज आप धोरण पांच विषय हिंदी पाठ छ हसीका पिटारा एटले कि आप हसता शीखसू। सेना थी आवा जोक्स थी उखाणा थी हसू आवशे ने बधाने। जो अब यहाँ पहले देखो, पहला है बेटा देखना गेहूँ सूख रहा है कहीं गाय न खा जाए। पहला चित्र है उसमें माँ अपने बेटे को समझा रही है ये गेहूँ है वो गाय न खा जाए ध्यान रखना। तभी दूसरे चित्र में देखे अरे अरे गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। तभी थोड़ी देर के बाद माँ आती वापस देखती है तो गधा गेहूँ खा रहा था मगर लड़का उसे हटा नहीं रहा था। अब तीसरे चित्र में देखे आपने तो गाय को हटाने को कहा था यह तो गधा है। बेटे ने माँ से कहा कि आप तो गाय को हटाने को बोले गधे को नहीं। तो यहाँ अकलमंदी की बात की ना, तो ऐसी अकलमंदी करनी चाहिए कोई भी खाए हमें हटाना तो पड़ता है वरना वो हमारे गेहूँ खा जाएगी ना, गेहूँ को खा जाती ना। तो यहाँ पे उन्होंने अकलमंदी की। अब देखो ऐसी इसी तरह दूसरे भी चुटकुले यहाँ पर पीछे है। दो नंबर का चुटकुला है दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है। दूसरा दोस्त बोलता है दीपक यानी कि दिया, हाँ जगमगता हुआ दिया है उसको दीपक भी बोल सकते हैं, उसका दूसरा अर्थ है दिया। तो यहाँ दीपक लड़के का नाम नहीं है, दिया है जो हम जगाते हैं रोशनी करते हैं वो। तो यहाँ पे वो दिया है उसमें तो मिठाई वो तो मिठाई नहीं खा सकता। यहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। अब तीसरा मालिक नौकर से कहता है तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद फिर से मालिक से कहता है रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है क्या मैं उसे भगा दूँ। तो रसोई घर में थोड़ी देर बाद बिल्ली आती है दूध पीती है तो वो भी नौकर मालिक से पूछने जाता है, ऐसी कोई बात पूछनी पड़ती है क्या। तो यहाँ पे ये भी मज़ेदार हुआ ना। अब चौथा एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा। दुकानदार बोला यहीं खाओगे आप घर ले जाओगे। यानी कि जो आदमी बिस्किट लेने गया था दुकान पे वो बिस्किट कुत्ते का बिस्किट मिलेगा ऐसे कहकर उसको पूछता है। तो दुकानदार ने उसका दूसरा मतलब निकाला यहीं खाओगे या घर ले जाओ, यानी कि दुकानदार को लगा कि यह बिस्किट यहाँ पे खाएगा इसलिए पूछ रहा है। रामू श्यामू को देखकर क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। श्यामू मूर्ख हो क्या यह गधा नहीं कुत्ता है। यानी कि रामू श्यामू को ही देखता है उसके पास क्या है वो नहीं देखता है। तो वो कुत्ते को गधा समझकर पूछ लेता है मैं। तभी रामू ने उसको जवाब दिया मैं कुत्ते को ही पूछ रहा हूँ। यानी कि रामू श्यामू को लगा कि मुझे पूछ रहा है मगर रामू ने बात ही पलट दी। उन्होंने क्या कहा मैं कुत्ते से पूछ रहा हूँ, यानी कि जो कुत्ता है श्यामू के पास वो तो डायरेक्ट कुत्ते को ही पूछ रहा था। तो इसी तरह आपको ये आज चुटकुले समझ में आए होंगे। तो इसी तरह दूसरे भी बहुत सारे चुटकुले होते हैं तो आप ऐसे चुटकुलों को पढ़ना और दूसरों को भी सुनाना। अस्तु।